बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आप लोगों को स्क्रीन पर लिखी हुई नज़र आ रही है। इफ़ ए रेज टू पावर अल्फ़ा प्लस अयोटा बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई रेज टू पावर पी प्लस अयोटा क्यू वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 पी लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर टू द बेस ए माइनस क्यू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स लॉग ऑफ ई टू द बेस ए, सेकेंड पार्ट इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर टू द बेस ए इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा पी प्लस बीटा क्यू ओवर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। इन दोनों रिजल्ट्स को हमने शो करना है जबकि हमें गिवन है ए रेज टू पावर अल्फा प्लस अयोटा बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई रेज टू पावर पी प्लस अयोटा क्यू। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। गिवन दैट ए रेज टू पावर अल्फा प्लस अयोटा बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई रेज टू पावर पी प्लस अयोटा क्यू। अब स्टूडेंट अगर आप इन दोनों साइड्स पर गौर करें, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर, आप लोग कौन सा फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे? अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो ए की कॉम्प्लेक्स पावर गिवन है और राइट साइड पर देखें तो एक्स प्लस अयोटा वाई की कॉम्प्लेक्स पावर गिवन है। तो फिर हमने किसी भी टर्म की कॉम्प्लेक्स पावर के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है, जी रेस टू पावर डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डब्ल्यू और फिर लॉग ऑफ आर प्लस अयोटा थीटा, और आप जो e की पावर पर ब्रैकेट में स्टूडेंट टर्म लिखी हुई नज़र आ रही है वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की लॉगरिथमिक फॉर्म है, यानी कि उसको हम लॉग ऑफ z लिख सकते हैं। तो इस तरह z w इज इक्वल टू ई डब्ल्यू लॉग ऑफ z। अब हमने दोनों लेफ्ट और राइट को इस फॉर्मूला से ट्रांसफॉर्म कर देना है। e की पावर में देखें तो e और फिर w है, W मीन पावर एज इट इज आ जाएगी, E की पावर में अल्फा प्लस अयोटा बीटा और जो बेस है उसका आपने लॉग ले लेना है, लॉग ऑफ A टू द बेस E। राइट साइड पर भी यही अप्लाई करना है, E रेज टू पावर पावर एज इट इज P प्लस अयोटा क्यू और आपने लॉग ले लेना है बेस का X प्लस अयोटा वाई टू द बेस e। ये हमने स्टूडेंट ये फॉर्मूला अप्लाई करके जी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डब्ल्यू लॉग जी का फॉर्मूला अप्लाई करके हमारे पास आया e रेज टू पावर अल्फा प्लस अयोटा बीटा लॉग ऑफ a टू द बेस e इज इक्वल टू e रेज टू पावर p प्लस अयोटा क्यू लॉग ऑफ x प्लस अयोटा y टू द बेस e। अब हम चूंकि दोनों साइड्स पर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इक्वल हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कब आपके पास इक्वल होते हैं? जब उनकी पावर आपस में इक्वल हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपके पास दोनों साइड से जो पावर्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी, यानी कि अल्फा प्लस अयोटा बीटा इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई इज इक्वल टू पी प्लस अयोटा क्यू लॉग ऑफ एक्स प्लस अयोटा वाई टू द बेस ई। अब हमें स्टूडेंट नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है, इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, यानी कि अल्फा को लॉग ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई और प्लस अयोटा बीटा लॉग ऑफ ए टू द बेस ई आ जाएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद राइट साइड पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अयोटा वाई बेस ई और फिर प्लस अयोटा क्यू लॉग ऑफ ई एक्स प्लस अयोटा वाई। log of e x plus iota y।
अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई की जो लॉगरिथमिक फॉर्म है उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, वो फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई कर देंगे। तो अल्फा इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e प्लस आयोटा बीटा इंटू लॉग ऑफ आपके पास a टू द बेस e इज इक्वल टू p इंटू आप लॉग ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग ऑफ आर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉगरिथमिक एक्सपेंशन से क्या मुराद है, लॉग ऑफ जी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ आर और प्लस आयोटा थीटा। तो यही फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। अब एक्स प्लस आयोटा वाई के आर से क्या मुराद है, उसका मॉडुलस, तो ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट लॉग टू द बेस ई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और उसके बाद प्लस आयोटा, और इसका आपके पास आर्गुमेंट किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी स्टूडेंट हमने यही अप्लाई कर देना है प्लस आयोटा क्यू, और ब्रैकेट में आ जाएगा लॉग ऑफ ई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस आयोटा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड पर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनके रियल पार्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे कर लेंगे। तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के बाद रियल पार्ट्स को इकट्ठा करने और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करने के बाद जो स्टेप्स आएगा स्टूडेंट, वो हमारे पास है अल्फा इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई और प्लस आयोटा बीटा इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e इज इक्वल टू, अब आप p को ये रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और iota q को जब आप इस iota tangent inverse y over x के साथ, तो ये रियल बन जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी दरअसल स्टूडेंट्स, और अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये log की पावर 1/2 भी आप पहले ला सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हम इसके ऊपर log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो log की प्रॉपर्टी से ये 1/2 पहले आ जाएगा, और जब हम p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा p बाई टू लॉग ऑफ ई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और दूसरा रियल पार्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर माइनस क्यू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। और अब इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लें, आप इमेजिनरी पार्ट्स में जब पी को आयोटा टेंजेंट इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप, और फिर आयोटा क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग ऑफ ई के साथ, तो क्या सिचुएशन बन जाएगी, प्लस आयोटा कॉमन ले लें और ये आपके पास आ जाएगा पी टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स पी टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स हो जाएगा। और उसके बाद जब हम आयोटा क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे लॉग ऑफ ई के साथ, तो ये प्लस क्यू बाई टू हो जाएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर पर अप्लाई कर देंगे, तो क्यू बाई टू लॉग ऑफ ई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये हमने स्टूडेंट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर देंगे तो अल्फा लॉग ऑफ ए इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट अल्फा लॉग ऑफ ए टू द बेस ई इज इक्वल टू पी बाई टू
log of e x square plus y square minus q tangent inverse y over x. ये हमने कंपेयर कर लिया रियल पार्ट को, और नेक्स्ट हम कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट को, और हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा आफ्टर कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स. वी विल गेट बीटा लॉग ऑफ ए टू द बेस ई इज इक्वल टू पी टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स प्लस क्यू बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर टू द बेस ई. ये इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लिया. अब स्टूडेंट हमें पहले अल्फा की वैल्यू चाहिए, जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है उसमें अल्फा की वैल्यू चाहिए. इसका मतलब हमें इक्वेशन वन को सॉल्व करना है, और फिर हमें सेकंड में अगर आप गौर करें तो हमें अल्फा पी प्लस बीटा क्यू, यानी कि दोनों को हमने रिलेट करना है आपस में. तो सेकंड के लिए हम इन दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों को आपस में रिलेट करेंगे. तो अब फर्स्ट रिजल्ट गेन करने के लिए हम पहले जो है वो वन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन वन हमारे पास क्या बनेगा, हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट. तो इसका मतलब है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से log of a to the base e को right side पर shift कर देंगे, तो वो बन जाएगा alpha is equal to division में चला जाएगा 1 over log of a to the base e is into p over 2 log of e x square plus y square minus q tan inverse y over x. हमने जस्ट लेफ्ट हैंड साइड से log a टू द बेस e को राइट साइड पर शिफ्ट करके डिवीजन में लिख दिया. अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने यहां इस टर्म के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है log की, और प्रॉपर्टी क्या होगी, हमने अब इसका बेस जो है वो इसके बेस को हमने चेंज करना है स्टूडेंट. हम अगर आप अपने रिजल्ट में देखें तो आपको रिजल्ट में अल्फा के रिजल्ट में log का बेस a नजर आ रहा है, जबकि हमारे पास e है. तो इसका बेस चेंज करने के लिए अब हम स्टूडेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं log ऑफ e टू द बेस e. आपको पता है कि अगर बेस और नंबर log में सेम हो जाए तो log की वैल्यू 1 आती होती है. तो उस 1 को मैंने log ऑफ e टू द बेस e लिखा, और ये नीचे log ऑफ a टू द बेस e ही रहने दिया. और अब नेक्स्ट हमारे पास चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला है log का, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अपने log की जो बेस है वो a बन जाएगी. बाकी टर्म्स में आपने कुछ नहीं करना, उनको एज इट इज लिखते जाएं माइनस क्यू टेन इनवर्स y ओवर x. अब स्टूडेंट जो हमने डिवीजन में टर्म कन्वर्ट कर दिया log of e टू द बेस e ओवर log of a टू द बेस e, ये आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी. इसका जो आपके पास बेस चेंज हो जाएगा वो बन जाएगा log of a टू द बेस e इंटू p बाई टू log of e x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर माइनस क्यू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स. ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी से ये चीज लिखी है स्टूडेंट. लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी यहां साइड पर लिख देते हैं, कि अगर आपके पास लॉग ऑफ बेस ए ऑफ एम ओवर लॉग ऑफ ए एन हो,
तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट, आपने ये सेम बेसिस को छोड़ देना है, डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी है उसको बेस बना देना है और न्यूमिरेटर का लॉग ले लेना है, तो लॉग ऑफ एन इंटू एम हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करके ये रिजल्ट लॉग ई टू द बेस ए को लिखा है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम लॉग एट लॉग ई टू द बेस ए को अंदर मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट से, तो अल्फा इज इक्वल टू पी बाय टू लॉग ई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लॉग ई ए हो जाएगा लॉग ई टू द बेस ए और माइनस क्यू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स लॉग ऑफ ई टू द बेस ई लॉग ऑफ ई टू द बेस ए। अब हम जो है वो स्टूडेंट मजीद अब इसमें हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, क्या सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, अब अगेन हमने जो है वो बेस चेंज का रूल अप्लाई करना है। अब ये प्रोडक्ट में आ रहे हैं, इसकी आपके पास बेस जो है वो ई है और इसकी बेस ए है, और अगर आप देखें तो ये बेस ई और ये टर्म ई ये दोनों सेम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, हम इनको कैंसल आउट कर देते हैं और जो बेस बना देंगे लॉग की वो ए बन जाएगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम अल्फा इज इक्वल टू पी बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर टू द बेस ए माइनस क्यू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स लॉग ऑफ ई टू द बेस ए। तो ये हमें स्टूडेंट फर्स्ट रिजल्ट शो करना था, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू पी बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर टू द बेस ए माइनस क्यू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स लॉग ऑफ ई टू द बेस ए। तो फर्स्ट रिजल्ट हमने स्टूडेंट शो कर दिया यहाँ से, इसको हम इक्वेजन थ्री का नाम दे देते हैं, टू तक हमने ऊपर दिए हुए हैं। अब हमने सेकेंड रिजल्ट तक पहुँचना है स्टूडेंट, सेकेंड रिजल्ट पर अगर आप गौर करें तो अल्फा पी प्लस बीटा क्यू, इसका मतलब है कि अब हमें सेकंड से क्या करना चाहिए, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए। जब बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट, तो फिर हम इस अल्फा जो कि इक्वेशन थ्री कहा गया है इसको पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो नेक्स्ट इक्वेशन बीटा के लिए कैलकुलेट करेंगे उसको क्यू से मल्टीप्लाई करके दोनों के दरमियान में एडिशन दिख रहा है तो दोनों को ऐड कर देंगे, और इस तरह हम अपने सेकंड रिजल्ट तक भी इजीली पहुंच जाएंगे। तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से हम लिखेंगे अब जो कि हमने ऊपर कंपेयर की हुई है, फ्रॉम इक्वेशन टू वी हैव, हमने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बीटा हो जाएगा, बीटा को अलग कर देते हैं, और उसके साथ भी लॉग ऑफ ए टू द बेस ई आ रहा था, उसको हम स्टूडेंट डिवीजन में लेके चले जाएंगे, तो लॉग ऑफ ए टू द बेस ई इंटू क्यू ओवर टू लॉग ई लॉग बेस ई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस पी टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये हमारी वैल्यू आ गई है बीटा की। अब हमने इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ये जो टर्म आ रही है इसका भी बेस चेंज करेंगे बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह ही, इसको भी स्टूडेंट हमने वन को लिख देना है, बीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई टू द बेस ई ओवर लॉग ऑफ ए टू द बेस ई इंटू क्यू ओवर टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बेस ई प्लस पी टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब नेक्स्ट वही प्रॉपर्टी चेंज ऑफ बेस वाली डिवीजन वाली आप प्रॉपर्टी अप्लाई करें लॉग की, तो स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ई टू द बेस ए बन जाएगा ये, और फिर क्यू बाई टू
log of e x square plus y square plus p tan inverse y over x. अब नेक्स्ट हम इस log of e टू द बेस a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू क्यू बाय टू log of x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर बेस e इंटू log of e बेस a प्लस p tan इनवर्स y ओवर x log of e टू द बेस a. अब नेक्स्ट हमने log की मल्टीप्लीकेशन वाली बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है कि ये e और इस e को आपने ख़त्म कर देना है, ये बेस ही रहेगा और इस टर्म का log ले लेंगे टू द बेस a. तो इसलिए इसको लिख देंगे q ओवर 2 log आपके पास a x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस p tan इनवर्स y ओवर x log of e टू द बेस a. इस इक्वेशन को स्टूडेंट अब हम 4 कह देंगे और ऊपर हमने अल्फा का रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है, अब नीचे बीटा का रिजल्ट फाइंड आउट किया है. अब हमने अपनी रिक्वायरमेंट तक जाना है जिसमें अल्फा पी प्लस बीटा क्यू न्यूमिरेटर में नजर आ रहा है. तो इसका मतलब अब हम इक्वेशन 3 को पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 को हम बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो और दोनों को आपस में एड अप करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा. तो मल्टीप्लाई 3 बाय p and 4 by q then adding both, then दोनों को आपने क्या कर देना है, add कर देना है. तो उससे अब क्या situation बन जाएगी student, हमने अल्फा वाली इक्वेशन को पी से तो 3 को पी से और बीटा वाली इक्वेशन 4 को क्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट अल्फा पी प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू, आप जब दोनों को ऐड अप करेंगे तो आपके पास पी स्क्वेयर ओवर 2, चूंकि ये वाली टर्म स्टूडेंट इक्वेशन 3 में नेगेटिव के साथ है तो जब आप इनको ऐड अप कर देंगे तो आपके पास जो है ये वाली वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी वहां से. तो ये वैल्यू हम कैंसल आउट हो जाएगी और हमारे पास अल्फा पी प्लस बीटा क्यू बच जाएगा और इस तरह पी स्क्वेयर ओवर 2 लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस क्यू स्क्वेयर ओवर 2 लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. और अब नेक्स्ट क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहां से ये 1/2 इनको एड अप कर देंगे, एड अप करके आपके पास एलसीएम 2 आएगा, उस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू अल्फा पी प्लस बीटा क्यू, क्योंकि हमारे रिजल्ट की न्यूमिरेटर की जो फॉर्म है वो बिल्कुल यही है अल्फा पी प्लस बीटा क्यू इंटू 2 और बाकी बच जाएगा पी स्क्वेयर लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस क्यू स्क्वेयर log of a x square plus y square. अब next student log of a x square plus y square common आ रहा है, उसको common ले लेंगे. alpha p plus beta q is equal to log of a x square plus y square को common ले लें और बाकी बच जाएगा p square plus q square. अब हमें अपने रिजल्ट में log of a x square plus y square की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब p square plus q square को आप लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो 2 into alpha p plus
बीटा क्यू ओवर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो सेकंड रिजल्ट भी स्टूडेंट हमने शो कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।